भारतीय उद्योग जगत के रत्न पद्म विभूषण से सम्मानित रतन टाटा का आखिरी सफर अब शुरू होने वाला है एनसीपीए ग्राउंड में, जहां पर उनका पार्थिव शरीर आम लोगों के दर्शन के लिए, अंतिम दर्शन और श्रद्धांजलि के लिए रखा गया था। वो अब सिलसिला खत्म हो चुका है और उनका पार्थिव शरीर अब आप जो फूलों से सजी हुई वैन देख रहे हैं इस समय तस्वीरों में, उसमें रख दी गई है और यहां से ही उनका आखिरी सफर उस वर्ली शमशान भूमि के लिए, जिसे क्रिमेटोरियम भी कहते हैं, वहां के लिए सफर तय करेगा। और उसके साथ साथ मुंबई पुलिस की बैंड टीम के साथ साथ वो जवान भी साथ सफर करेंगे जो वहां पर क्रिमेटोरियम में आखिरी सलामी
राजकीय सम्मान जिसे कहा जाता है वो देंगे और उसके बाद अंतिम संस्कार की जो विधि है वो की जाएगी। और इसमें यह भी बताया जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी उस दौरान वहां पर मौजूद रहेंगे जब अंतिम संस्कार की विधि की जाएगी और अंतिम एक तरह से सलामी दी जाएगी। इसको देखते हुए फिलहाल यहां पर जो भी लोग अंतिम दर्शन करने के लिए आए थे वो सिलसिला खत्म हो चुका है और अब भारतीय उद्योग जगत के वो चांद, वो सितारा जो पूरे देश को रोशनी देता रहा, दुनिया भर में देश का, भारत का नाम रोशन करता रहा, अब अपनी जिंदगी के आखिरी सफर पर निकल रहा है। आउटपुट बंद झाले आपण चेक करा।